अच्छी बात यह है कि राजकौर के चेहरे पर मुस्कान है, पिछड़ जरूर रहे हैं लेकिन पता है कि सिर्फ एक अंक से पिछड़ना है और एक अंक कवर हो सकता है 10 पॉइंटर अगर कंसिस्टेंसी में आते रहे तो। राजकौर निशाने पर हैं, 9 पॉइंट्स के साथ स्टार्ट किया है। प्रणीत कौर इस टीम की खिलाड़ी, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं प्रणीत। वहां से तो लग रहा है कि आउटर सर्कल पर लगी है, तो यानी 8 या 9 में से कोई एक अंक मिलेगा। देखना होगा ऑफिशियल स्कोर क्या होगा। और अब अवनीत कौर, अवनीत की बात करें तो वर्ल्ड कप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं अवनीत। 10 पॉइंटर हिट किया है। और अब दिलवालों की दिल्ली से हैं ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने निराश किया है, 8 अंक और यही वो एक अंक की जो बढ़त दिल्ली के पास थी यहां पर गंवा सकती हैं। बहुत कुछ दारोमदार रुचि पर है, रुचि का भी 8 अंक पर निशाना साधा है और इसका मतलब ये है 8 अंक हैं कि दिल्ली की टीम पिछड़ जाएगी। टेन पॉइंटर यहां से लग रहा है कि 10 पॉइंटर है, कम से कम 2 अंक अभी जुटाए हैं ज्यादा और ओवरऑल देखें तो 1 अंक की बढ़त पर चली गई है पंजाब की टीम। राजकौर, राज का निशाना 9 पर आया है। प्रणीत ने 10 पर हिट किया है, परफेक्ट 10 और बहुत देर के बाद चेहरे पर खुशी आती हुई प्रणीत के। क्या अवनीत 10 पॉइंटर के सहारे दिल्ली पर दबाव बढ़ाएंगी? यहां पर मौसम सुहाना होता हुआ और 9 अंक, 56 अंक हासिल किए हैं। अगर वो 8 है तो, और अगर वो 9 पॉइंटर है तो फिर 57 अंक होंगे। ये ऑफिशियल स्कोर की हम प्रतीक्षा करेंगे। ऐश्वर्या पर दबाव बढ़ गया है, ऐश्वर्या ने क्या कमाल की वापसी की है परफेक्ट 10 के साथ। क्या रुचि यहां 10 कदम दिखा पाएंगी? 10 से कम कुछ नहीं चाहिए अगर बढ़त बनाए रखनी है तो। जी हां, एक और 10 पॉइंटर आता हुआ, सबसे अनुभवी प्रगति हैं, बहुत तेज गति से अपने एल्बो को फ्लिक करती हैं और यहां पर निराश होती हुई। पर जो गुणा गणित बता रहा है जसवंत, वो गुणा गणित ये है कि बराबरी का मामला है अगर वो 8 पॉइंटर लगा है तो। दिल्ली की टीम पिछड़ जाएगी चूंकि 53 अंक ही हासिल किए हैं यहां पर उन्होंने और 56 अंक हो गए हैं। 165 अंक पे जाएगी दिल्ली की टीम और संभवतः 167 या 168 पर होगी। स्कोर की गणना बहुत ही संभल कर की जाती है इसमें और टारगेट जज गिरीश हैं जबकि किरंजय जो हैं वो स्कोरिंग जज हैं। खिलाड़ी यहां पर पंजाब के, दोनों टीम के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक का ये मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत संस्कार धाम
संस्कार धाम मैदान अहमदाबाद में। स्कोर बता दे जसवंत, गुणा गणित बिल्कुल ठीक था हम लोगों का, 165 पर ही है दिल्ली की टीम और 167 पर है पंजाब की टीम, तो दो अंकों की बढ़त है पंजाब के लिए। क्या शानदार दिन घट रहा है पंजाब का। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब के लिए गुरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता था और अब एक बार फिर ये अंतिम दौर है। एकाग्र होती हुई ऐश्वर्या, पता है कि खाली हाथ लौटने से बढ़िया है कांस्य पदक जीतकर शान से लौटा जाए, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। आठ रुचि और पीछे से प्रगति उनको कुछ सलाह देती हुई, मनोबल बढ़ाती हुई। रुचि का 9 पॉइंटर आता हुआ, प्रगति बहुत तेजी से अपने एल्बो को लिफ्ट करती हैं। 10 पॉइंटर, और अब जसवंत राजकौर क्या करेंगी? संभल कर उन्हें खेलना होगा, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, जब उन्हें संतुष्टि हो जाए। हालांकि 120 सेकंड में 6 रो चलाना है तो हर खिलाड़ी को संभल कर खेलना होता है। काफी समय रहता है, 10। दिल्ली वाले ये चाह रहे होंगे कि अवनीत का निशाना रेड जोन या ब्लू जोन पर जाए, पंजाब की कोशिश होगी कि येलो जोन पर हिट करें, और अवनीत ने 9 पर निशाना साधा है। बढ़त इस समय भी पंजाब के पास है और यह बढ़त अब 3 अंकों की हो गई है। इस बार रुचि आई हैं, नाइन पॉइंट, समय देखिए 33 सेकेंड बचा है। प्रगति, प्रगति ने एक और 10 पॉइंटर हासिल किया है। दो सौ 21 पर पहुंच गया है दिल्ली का टोटल। राजकौर का 10 पॉइंटर आता हुआ यहां पर, और उनके साथी खिलाड़ी उत्साह बढ़ाते हुए यहां पर, जिसकी आवश्यकता है जोश हो लेकिन होश न खो। ये 9 पॉइंटर है, अवनीत कौर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सिर्फ 8 अंक चाहिए जीत के लिए। ये शूट, और आधिकारिक स्कोर से पहले अगर हम अपने दर्शकों को कैलकुलेशन करके बताएं तो 224 अंक हासिल किए हैं पंजाब ने और दिल्ली के खाते में आए हैं 221 अंक, यानी 3 अंकों के फासले से जीत लिया है पंजाब ने इस कंपाउंड महिला टीम का कांस्य पदक। लेकिन अब भी आधिकारिक स्कोर की प्रतीक्षा है हमें। खेल है जीत हार इसका दो महत्वपूर्ण पहलू, लेकिन अवनीत के लिए राहत की सांस होगी, पोडियम फिनिश करेंगी।
ये दिल्ली की टीम के लिए निराशा जरूर होगी। एक समय एडवांटेज पर चली गई थी दिल्ली की टीम और तीसरे सेट के बाद 112 है 111 से आगे थे। ₹221 अंक ही मिलेंगे दिल्ली को और ये देखिए एक दूसरे को बधाई देते हुए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने आए हैं लेकिन अच्छे खेल की सराहना भी करेंगे। आज आपका दिन था, आप बधाई के पात्र हैं, आप जीत के हकदार थे, कल हमारा भी दिन होगा। इसी भावना के साथ ये खेल आगे बढ़ता है और जो हमने स्कोर आपको बताया